कमेंट सेक्शन में कोई बोल रहा था कि आप अपने जिम इक्विपमेंट्स क्यों नहीं यूज़ करते, तो चलो आज यूज़ कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं यश कदम, आप लोग देख रहे हो फिट बाइट, और आज मैं करने वाला हूँ क्या करने वाला हूँ मैं आज, हाँ आप लोगों को बताना भूल गया, सॉरी मैं ही भूल गया, बताना मैं ही भूल गया यार। आज मैं करने वाला हूँ एक बाइसेप वर्कआउट, हाँ बाइसेप वर्कआउट करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था शोल्डर वर्कआउट और बाइसेप वर्कआउट में, शोल्डर करूँ या बाइसेप करूँ, तो मैंने सोचा नहीं, अभी रिसेंटली मैंने चेस्ट वर्कआउट किया था, तो शोल्डर मेरा थोड़ा सा सोर है, तो बाइसेप मैंने बहुत टाइम से ट्रेन ही नहीं किया। लास्ट जो मैं पुराने जिम में, मतलब स्वप्निल के जिम में जाता था वहाँ पर ट्रेन किया था, उसके बाद मैंने ट्रेन किया ही नहीं, तो आज बाइसेप वर्कआउट करूँगा और साथ में ट्राइसेप भी कर लूँ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ बाइसेप में क्या मज़ा आएगा, उसके साथ मैं ट्राइसेप करूँगा बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते, थोड़ा सा मैं सबसे पहले ना स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। पता नहीं क्यों मैंने लेग्स वर्कआउट किया भी नहीं इतना ज़्यादा, मेरे जो काव्स है, काव्स और हैमस्ट्रिंग एकदम से सब टाइट हो जाता है ना, वैसे हो गए। और डेली मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, आप लोग मानोगे नहीं, डेली मैं आधा 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 घंटा अच्छे से स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, जो कि मैं पहले यूजुअली नहीं करता था इतना ज़्यादा। I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we. ये मेरा पुराना स्टाइल है वार्म अप करने का, इससे आपकी लोअर बॉडी मस्त स्ट्रेच होती है, स्पेशली ग्रोइन एरिया जो है, ग्रोइन आप लोगों को पता रहेगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेच होता है। सो एक पानी का सिप लेता हूँ, फिर पुलअप से स्टार्ट करेंगे, पुलअप्स और चिनअप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone. This isn't what it seems. Taking me so damn long. It's fading from. पहले ही सेट में 12 repetitions है, वो भी इस बार पे। एक kind of नया achievement मेरे लिए, क्योंकि ये बार पे आप लोगों को पता है pull-ups हाथों की वाट लग जाती है। पानी पानी पानी। ग्रिप छूट गया, शिट ग्रिप छूट गया मेरा, नहीं तो मेरे को चिनअप्स के भी 12 रिपीटेशन मारने थे। कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, इस बार पुलअप्स क्या है, नेक्स्ट टाइम चिनअप्स के भी आ जाएंगे। तो अभी मेरे पास कितने इक्विपमेंट्स हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। करंटली मेरे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, और ये एक रॉड अभी मैंने सेट कर दिया है बाइसेप मारने के लिए, बाइसेप कॉल मारने के लिए। अभी मेरे पास जितने इक्विपमेंट्स है वो मोर देन इनफ है घर पे वर्कआउट करने के लिए। और अगर आप लोग को इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि मेरे पास कितने इक्विपमेंट्स है, कहाँ से परचेस किए, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. But I am in the jungle of love. एक्चुअली वर्कआउट करते करते मेमोरी कार्ड जो है वो फुल हो गया था, तो उसकी वजह से जितना आप लोगों ने देखा उसके आगे मैं शूट नहीं कर पाया। और अभी मैं नहा धो के एकदम हो गया हूँ फ्रेश, अभी बना रहा था ये शेक, पीनट बटर शेक जो मैं डेली पीता हूँ वो,
तो मेरे को एक चीज़ याद आई तो सोचा आप लोग को भी बता दूँ, एक छोटी सी टिप दूंगा, अगर आप लोग डेली ये शेक पी रहे हो, आप लोग को टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो फौरन चेंज आप लोग इसमें, ये जो आप लोग देख रहे हो ये है वेनिला एसेंस, इसके एक दो ड्रॉप आप लोग डाल सकते हो। वेनिला एसेंस डालने से शेक का जो फ्लेवर है वो अलग ही हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा आप लोग कुछ वेनिला का चीज़ खा रहे हो। मतलब वेनिला का चीज़ क्या होता है, मतलब कैसे बोलूं, वेनिला का फ्लेवर आएगा इन शॉर्ट अगर बोलने जाओ तो। मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को रोज ये शेक दिखाता हूँ, आप लोग देख देख के शायद से बोर हो गएंगे, कुछ और दिखाना पड़ेगा भी। क्या देखना पसंद करोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। और तीन चार दिन से पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा मोटो व्लॉगिंग की वीडियो देख रहा हूँ, और मेरे को अभी उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक बाइक होना ज़रूरी है। बाइक मेरी ऐसी पड़ी हुई है मेरे पास बाइक, लेकिन वो ऐसी पड़ी है, सच्ची मैं बोल रहा हूँ। आप लोग तीन चार दिन कंटिन्यूसली मोटो व्लॉगिंग के वीडियोस देखो, आप लोग को मतलब ऐसा करने का मन करेगा, इतना ज़्यादा फन है ना वो। मैं बहुत सारे ऐसे मोटो व्लॉगर्स हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के बाहर के, उन लोगों को देख रहा हूँ, स्पेशली इंडिया का जो इंडिया के जो MSK है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मोटो व्लॉगिंग जैसे ही बोलते हैं मेरे दिमाग में आता है MSK, मोहम्मद सलीम खान, वन ऑफ माई फेवरेट। आपको कौन पसंद है मोटो व्लॉगिंग में कमेंट सेक्शन में बताना। फाइनली मेरा हार्ड ड्राइव आ गया, और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे को ये हार्ड ड्राइव लेने में हेल्प की। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में सजेशंस दिए थे कि WD वाला लो, तो फाइनली मैंने WD वाला ही लिया है। ये 2TB का है, 1TB का ले रहा था, लेकिन थोड़ा सा और पैसा डाल के ये 2TB का आ रहा था, तो 2TB का क्यों नहीं। एनीवेज मैं चेक करता हूँ इसको, ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या इसकी स्पीड टेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर स्पीड टेस्ट टेक्निकल टर्म्स, फिर आप लोग से मिलता हूँ। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, हाँ बोलो जी, हमें क्या करना है बोलो जी। तुम्हारे जमाने का गाना सुना है क्या तुमने? हमारे जमाने का एक ही है। तुम्हारे जमाने का गाना है सुना है क्या तुमने? अरे क्या क्यों नहीं, हाँ पापा नहीं मिले, गाना गाओ। ओ बेटा जी, ओ बूढ़े जी, अरे ओ बेटा जी, ओ चाचा जी। तो गाइस जस्ट डन विद द एडिटिंग, वीडियो भी एक्सपोर्ट करने के लिए रख दिया है। अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगा, आराम ऐसे थोड़ा सा ऐसे लेटूँगा, फ़ोन में टाइम पास करूँगा, इंस्टाग्राम पे कंटेंट हूँ। हाँ है ना, मैं दिख रहा हूँ ना उधर से आपको, मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहा है पर मूवमेंट कुछ नहीं है। मूवमेंट अभी होएगा ना, ऐसा करूँगा तो अभी ऐसे करूँगा तो मूवमेंट होगा। अभी हिल गया अभी। अभी ये देखो आप देखो, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, अरे मई है रे, इधर है रे, अरे इधर इधर है इधर, तू वो नीचे किधर मेरे उड़ के जा रहे अभी अभी और नीचे ले गए। अरे किधर है, अरे हाँ अभी दिख रहा है ना। तो एनीवेज ये अभी थोड़ा सा मैं आराम करता हूँ, यानी कि रेस्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट वगैरह ढूंढता हूँ, फिर शाम को जा रहा है ओंकार के घर पे शूट करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम वाला जो कॉफ़ी वाला शूट था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है वापस कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कर मिलता हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं, और मेरा जो शूट था 4:30 को वो कैंसिल हो गया, थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो भागना पड़ा, उसकी वजह से शूट मेरा कैंसिल हो गया। और कल मोस्ट प्रोबेबली वो शूट मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि परसों मेरे को ब्रांड को भेजना है एट एनी कॉस्ट। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इतना सा भी पसंद अगर आया रहेगा वीडियो, कुछ सीखने मिला रहेगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ताकि हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड रह सके। उसके बाजू में जो बेल आइकन है यानी कि घंटी हो, घंटी भी बजाना ताकि मैं ताकि घंटी बजाने के बाद, हाँ जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप लोग मिस ना करो। आप लोग से मिलता हूँ मैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान देना, बाय।